हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो गाइस, आज एज यू ऑल नो, आज हमारा डे 4 है 21 डेज रेगुलर वीडियो अपलोड करने का। सो मेक श्योर, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन जरूर टैप कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस करो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि हमारे यहाँ इंडिया में कोरोना की इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड में कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है। सारी जिम एक्सेट्रा सब बंद हो रहे हैं, शॉप्स भी बंद हो रही हैं। सो ये सब बंद हो रहा है, तो इसमें कुछ हम अपना बेस्ट तो दे सकते हैं। आई नो कि जिम बंद हो गई, जिम में अच्छा वर्कआउट होता है, बट मेरा आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि हम जितना आप अगर जिम में आप जिम नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप घर में तो वर्कआउट कर सकते हैं, घर में तो अपनी लिमिट को पुश कर सकते हैं। आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसको किस तरह लेते हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं या एक क्राइसिस की तरह लेते हैं? अपॉर्चुनिटी टू वर्क योर सेल्फ या क्राइसिस टू वेस्ट योर टाइम, इट्स ऑल अपॉन डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको किस तरह लेते हैं। आप अपना होम वर्कआउट करो। आई नो कि जिम में जैसा वर्कआउट नहीं हो पाता वैसा तो नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट फेलियर तक जाने की कोशिश करो। आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट देने की कोशिश करो। हर सेट में अपने आप को पुश करो। जो जिम में हम तीन से चार सेट लगाते थे 10 से 12 रेपिटेशन, यहाँ आप 2-3 ही सेट लगाओ, 50-60 रेपिटेशन। एटलीस्ट अपने आप को आप फेलियर तक पुश करने की कोशिश तो करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मेरा बस ये है कि आप हार मत मानो, आप बस मेहनत करते रहो, अपनी लिमिट को पुश करते रहो। जितना आप अपनी लिमिट को पुश करोगे उतना ही आप देखोगे धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आते जाएंगे। अगर आपके पास कोई वेट नहीं है तो आपका स्कूल बैग होगा उसमें बुक्स डाल लीजिए, बुक्स डाल के पुलअप लगाइए, चिनअप लगाइए, पुशअप लगाइए, स्क्वाट्स लगाइए। बॉडी वेट फ्री एक्सरसाइज जितनी भी होती है उसको आप एटलीस्ट फेलियर तक करने की कोशिश तो करिए, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। और इट टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको किस तरह देखते हो कि आप जिम बंद हो गई तो घर में बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो चीज़ अच्छा लगती है करने को आप एटलीस्ट वो करो। तो आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आप बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, एटलीस्ट अपना आप हर चीज़ में 100% देने की कोशिश तो करो। ये पूरा डिपेंड आप पे करता है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, कि ये अपॉर्चुनिटी है या आप इसको लेके बैठ जाओ बोल रहे हैं लग गया कुछ कर नहीं सकते। जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है वो उसके लिए क्या कुछ करना, आपके कंट्रोल में क्या है? अपना आप हर चीज़ में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट 100% देने की कोशिश तो करो आप। What happens that determines the quality or the quantity of your life? It's not what happens. And the reason is because what happens happens to about everybody. No different. And I found out that the same things can happen to two different people. One gets rich and one stays poor. Why is that? It's because it's not what happens, but rather, it's what you do that changes everything. Two men wake up one morning, there's a rainstorm on. One of them looks out his window, sees the rainstorm, and he says, "Wow, what a storm. With weather like this, they can't expect you to go out and make sales." He stays home. Same morning, the other guy looks out his window, sees the same storm, says, "Wow, what a storm." But he says, "You know what, with weather like this, what a great day to go out and make sales. Most everybody will probably be home, especially the salesman." So, अब मैं अपनी बात को conclude करता हूँ। Last में guys, ये एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, you are at safe at home, you are not stuck at home. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप कुछ भी मोटिवेट हुए हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता के जाना कि आपने आज से इतना पुशअप लगाने स्टार्ट कर दिया, आज से आपने ये करा, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक बेल आइकन में ज़रूर टैप कर देना, ताकि आने वाली फ्यूचर की अच्छी अच्छी वीडियो आप कोई भी मिस ना करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस।